पौड़ी की बात करेंगे, जहां पर जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस में रखे एक शव को चूहोनी को उतर दिया है, जिस पर परिजनों ने रोष व्यक्त किया है। परिजन नितिन और प्रीति ने कहा कि उनके भाई का शव कल रात को जिला हॉस्पिटल पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था। यहां पर रखे डीप फ्रीज का लॉक भी खराब था। उन्होंने हॉस्पिटल में तैनात कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने डीप फ्रीज पर शव को सुरक्षित होना कहा। वहीं जब आज वो जिला हॉस्पिटल पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मृतक के चेहरे को चूहोनी को उतर दिया था। परिजनों ने उच्च अधिकारियों से चिकित्सालय की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे मामले में सीएमओ रमेश कुमार ने कहा कि मोरचोरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहे ने शव को कुतर दिया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये है कि कल शाम को जब यहाँ हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए जब, तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आप कितनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीज नहीं है सिस्टम, इस वजह से हो रहा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बॉडी के ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल, जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। तो मैं यार यही कहूंगा सरकार से कि बिल्कुल इस पर लापरवाही न करें, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी अभी अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एकेश्वर ब्लॉक से एक मृत का शव यहाँ पे आया था जो पोस्टमार्टम हाउस में था, उसे जंगली चूहों द्वारा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका कारण, मुख्य कारण यह था कि वहाँ पे जो पोस्टमार्टम का दरवाजा था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसमें गैप था, तो जिस वजह से चूहे वहाँ पर अंदर घुस गए और थोड़ा सा नुकसान पहुँच गया। तो अभी अभी दरवाजे ठीक करने के आदेश दे दिए गए हैं, एवं वहाँ पर लगातार रैट किलर का प्रयोग करने के लिए भी कह दिया गया है।